थे और उनके नाम बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से तीन बच्चे ऐसे थे के जिनका नाम खुद हजरत मौलाए कायनात ने अबू बकर, उमर और उस्मान और लोगों को बता दिया कि ये तीनों मुझसे अफजल हैं और मैं इनकी खिलाफत को तस्दीक करता हूँ और ये लोग हक और सच पर है और इस अमल से उन राजियों और शियों का रद्द भी करता हूँ। पता क्या चला, ये शिया राजी जो कहते हैं हजरत अली को मानते हैं, हजरत अली को भी नहीं मानते, क्योंकि अगर हजरत अली को मानते तो हजरत अली की भी मानते। एक और दूसरी बात, कुछ लोग ढोल ताशा बहुत जोर से बजाते हैं, गुना एक कहे कि गुना नहीं और वो चीज फर्ज नहीं, गौर करें वो चीज फर्ज नहीं, एक कहे गुना है ढोल बजाना, या तो गुना है या तो सवाब नहीं, ना बजाना कुछ नहीं है लेकिन गुना नहीं, समझ में आ रही बात, ना बजाना सवाब नहीं है लेकिन गुना भी नहीं। तो आदमी जहाँ से बदगुमानी पैदा हो, बदगुमानी वाले रास्ते से भी बचो, जब बदगुमानी वाले पूरे चीज से बचने का हुक्म दिया जा रहा है तो जो बुरा कर रहा वो तो बुरा ही कर रहा है। आखिर बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो आज उड़ गए, गायब के जानने वाले और हुजूर के गायब के जानने पर एक और दलील ये है कि खड़े जा सकते हैं, खड़े खड़े नहीं जा सकते लेकिन जानते जिस वक्त हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा उस वक्त मेरे अज़वाजे मुतहरात में से सिवाय उनके सलमा से कोई भी जिंदा ना रहा। ढोल बजाने से इसमें दो बातें, या तो उसका करना गुना होगा या गुना नहीं होगा, और ना करना ये गुना ना ही गुना है ना सवाब, बेहतर क्या है करने में, कम से कम ये तो शैबा है कि हम ये तो शैबा है। और दूसरी बात, ढोल ताशा जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला ने मुहतरम तवज्जो चाहूंगा, बस आखिरी बात आखिरी वाक्य आप लोगों के गोल गुजार करके क्योंकि ये हमारे इलाके में होता रहता है, मालिक का काम क्या है समझाना, जो गलत है वो बताना, ठीक है, लगा अमारुना वाला तुम अमार, हमारा अमल हमारे साथ तुम्हारा अमल हमारे साथ। तो ढोल ताशा वगैरह ये सब किसकी सुन्नत है, किसका तरीका है, तो गौर से सुनो, जब शाम से हजरत सरे हुसैन रज़ी अल्लाह